झी 24 तास एक पाऊल पुढे। बातमी विदर्भातली आहे। देशातील व्याघ्र प्रकल्पामध्ये आता पर्यटनावर बंदी असणारी आणि त्याचा जास्त परिणाम ताडोबाच्या पर्यटन व्यवसायावर होणार आहे। एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिलाय। विविध राज्यांनी व्याघ्र संरक्षणासाठी योग्य पावलं न उचलल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे आणि हा निर्णय दिलाय। या आदेशानंतर जगप्रसिद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटनावर बंदी घालण्यात आली आहे। एकट्या ताडोबात याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे। इथल्या पर्यटन व्यवसाय जो आहे तो पूर्णपणे संपणार आहे। हम लोगों का जो लीगल अभी तक सब चल रहा है तो उससे भी उस पे भी मतलब रोजी रोटी हो या डेली रूटीन लाइफ हो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइवलीहुड लोगों के डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ऐसा तो कहीं नहीं है कि टूरिज्म बंद करने से व्याघ्र संरक्षण या टाइगर कंजर्वेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिखित स्वरूप में प्राप्त नहीं हुआ है, पर जो कि जानकारी मिली है उसके हिसाब से कोर एरिया में आगे के आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने टूरिस्ट के प्रवेश पर बंदी कर ला दी है। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अंशतः बंद किया गया था। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।